सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी से। इस वीडियो के क्या ऑब्जेक्टिव है उसे देखते हैं। सबसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, फिर हम जानेंगे व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ सो नीडेड। आखिर क्या बात हुई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ी, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। आखिर क्या है कि सी लैंग्वेज इतना पॉपुलर है और इतना पुराना लैंग्वेज होने के बावजूद आज भी इसकी पॉपुलरिटी नंबर वन पे है। एक सर्वे के मुताबिक माना गया कि सी लैंग्वेज आज भी सारे लैंग्वेज से ज़्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग में। तो सी लैंग्वेज से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आपको पता भी होगी, या हो सकता है कुछ बातें पता ना हो, लेकिन उसका जिक्र हम यहाँ करते हैं। बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम, खासकर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरा का पूरा सी लैंग्वेज का यूज करके इसको डेवलप किया गया है। ओरेकल, ओरेकल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है, ये डाटाबेस को मैनेज करती है। ये भी सी लैंग्वेज के यूज से ही बनी है। और आज का जो एंड्रॉयड हम लोग सुनते हैं, एंड्रॉयड जो जितने भी स्मार्टफोन हैं, अधिकतर स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर लाइब्रेरी है, ये भी सी लैंग्वेज के यूज से ही बनी है। सी लैंग्वेज में ही इसे लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी। लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर, जितने भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो सारे सी लैंग्वेज में ही लिखे हुए होते हैं। अब आपको पता होगा डिवाइस ड्राइवर क्या है, अगर ना पता हो तो बता देता हूँ। जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के आसपास, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए एक प्रिंटर का, तो वो प्रिंटर को कंप्यूटर में यूज करने से पहले उसमें एक प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर उसमें इंस्टॉल किया जाता है, ताकि आपका कंप्यूटर आपके प्रिंटर को पहचान सके। आपका प्रिंटर किस तरीके से काम करता है, उसे किस तरह तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाए ताकि प्रिंट करे, ये सारी बातें कंप्यूटर को समझाने के लिए उसमें एक डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। इवन एक पेन ड्राइव भी आप लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो पेन ड्राइव लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो डिवाइस ड्राइवर होता है। तब जाके उस सॉफ्टवेयर के कारण ही आपका सिस्टम आपके पेन ड्राइव को समझता है और उसमें रखे डाटा को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो वो सारे डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में ही लिखे गए होते हैं। मेजर पार्ट मेजर सॉरी यहाँ पे ये पास्ट हो गया है, ये गलती से। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज रिटन इन सी लैंग्वेज। जो वेब ब्राउज़र जो हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट सर्फ करते हैं, जितने भी वेब ब्राउज़र हैं उनका एक मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक ये माना गया है कि सी इज़ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि ये पुराना है। इतने पुराने होने के बावजूद भी इसकी पॉपुलरिटी आज भी कायम है। अब आगे हम जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए ये क्यों ज़रूरी है। आखिर एक स्टूडेंट को क्यों सी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। तो हमें बहुत सारी लैंग्वेज, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है तो बहुत सारी लैंग्वेज आपको सीखने पड़ते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, सी तो सीखना है ही, सी के अलावा सी प्लस प्लस, जावा, इसके अलावा
और भी .NET, C#, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। लेकिन उन सारे लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, सी, क्योंकि सारे लैंग्वेज का एक कोर कंसेप्ट सी के अंदर छुपा है। सी के फीचर को ही सारे लैंग्वेज यूज करती है। सी लगभग लगभग सी के सिंटेक्स को ही सारे लैंग्वेज यूज करती है, इसीलिए हमें सी बहुत ज़रूरी हो जाता है सीखने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है, सी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल को बनाने के लिए सी बहुत ज़रूरी है। मतलब सी आपको पता ना होगा तो आगे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको आगे का लैंग्वेज सीखने में बहुत दिक्कत हो, इसीलिए सी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में करियर बनाना है तो सी बहुत ज़रूरी है। फिर आगे देखते हैं हम, सी कवर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात अभी जस्ट मैंने पहले बताया, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो सी कवर करता है। सी के अंदर ही वो आते हैं, जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप, स्विच केस, फंक्शंस, ये सारे चीज़ जितने भी आगे के लैंग्वेज है उन सभी में मिलेगा। और वो बेसिक कंसेप्ट अगर आप सी में सीख लेते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है बस वो सीखना होगा। आगे दूसरे लैंग्वेजों में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बस वो सीखना होगा, ना कि ये बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा कि लूप क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, ये सब आपको सी में ही मिल जाता है। सी इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, जिसे डिवाइस ड्राइवर आमतौर पर बोला जाता है। सी जितने भी हमने पहले भी बताया, जितने भी डिवाइस ड्राइवर बनते हैं वो सारे सी लैंग्वेज, ऑलमोस्ट अधिक से अधिक सी लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बनने से पहले एक शख्स थे मार्टिन रिचर्ड्स, ये वही शख्स हैं मार्टिन रिचर्ड। इन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को इकट्ठा करके और एक लैंग्वेज बनाए, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने उस समय के, सी से पहले भी बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन कोई एक ऐसा लैंग्वेज नहीं था जिनमें सारे फीचर्स हो। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लैंग्वेज थे उनके जितने भी फीचर्स थे उन सारे फीचर्स को इकट्ठा करके एक लैंग्वेज बना डाला, BCPL। और इन्होंने 1966 में ये लैंग्वेज बनाया। फिर इसके बाद BCPL को ही इम्प्रूव करके केन थॉम्सन AT&T's बेल लेबोरेटरीज के ये भी डेवलपर थे। इन्होंने BCPL का यूज करके ही इसी को इम्प्रूव करके एक लैंग्वेज बनाया, बी लेबल लैंग्वेज। इन्होंने जो लैंग्वेज बनाया उसका नाम दिया बी लेबल लैंग्वेज। मतलब BCPL का जो फर्स्ट लेटर है, BCPL का जो फर्स्ट लेटर है बी, इन्होंने उसी बी को चुना अपने लैंग्वेज के नाम के लिए। एक तरह से उन्होंने मार्टिन रिचर्ड को सम्मानित किया, मतलब सम्मान दिया अपने लैंग्वेज का नाम बी लेबल रख के। और ये बी लेबल लैंग्वेज बनाने के पीछे का कारण क्या था, ये वास्तव में केन थॉम्सन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसके लिए इन्हें एक अच्छे लैंग्वेज की ज़रूरत थी, जिसके चलते इन्होंने बी लेबल लैंग्वेज को बनाया। फिर बी लेबल लैंग्वेज में इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। फिर आगे चल के बेल लेबोरेटरीज के ही डेनिस रिची एक दूसरे डेवलपर थे। इन्होंने
एक सी लेवल लैंग्वेज बनाया। जो सी लेवल लैंग्वेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे कौन बनाया? डेनिस रिची ने बनाया। और ये AT&T बेल लेबोरेटरीज USA के डेवलपर, उसमें एक डेवलपर थे। जब डेनिस रिची ने सी लेवल लैंग्वेज बनाया तो उसके बाद इन्होंने केन थॉम्सन से बोला कि अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लेवल लैंग्वेज का यूज करके फिर से बनाया जाए तो बहुत सारे फीचर्स इसमें जुड़ जाएंगे। तब सी लेवल लैंग्वेज का यूज करके फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। और इस तरह से ये डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का को डेवलपर बन गया। अब हम आगे देखते हैं क्या कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हमें आखिर पड़ा क्यों? आखिर क्या ऐसा हुआ कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत महसूस हुई और हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या और भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं और प्रोग्राम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ा? तो उसके लिए, उसे समझने के लिए हम यहाँ पे दो तरह का कम्युनिकेशन देखेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन हम देखते हैं क्या कि मैन टू मैन। सबसे पहला कम्युनिकेशन हम देखते हैं मैन टू मैन। मैन टू मैन कम्युनिकेशन मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से जब कम्युनिकेशन करता है तो क्या होता है? एक इंसान किसी इंसान से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पाता है। और ये कैसे करता है? तो किसी ना किसी लैंग्वेज की सहायता से, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या और भी बहुत सारे लैंग्वेज। इसमें क्या ज़रूरी है? दोनों इंसान को, दोनों पर्सन को सेम लैंग्वेज आने चाहिए, तब ये दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पाते हैं या दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। करते कैसे हैं? किसी ना किसी लैंग्वेज की सहायता से। और कंप्यूटर के साथ क्या होता है? जब कोई एक इंसान किसी कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है तब क्या होता है? आइए देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्या है कि एक कम्युनिकेशन दिखाया गया है। इसमें मैन टू कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन दिखाया गया। एक पर्सन किसी कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ सकता है? डायरेक्टली कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन हिंदी, इंग्लिश और भी जो भी नेचुरल लैंग्वेज हम लोग, जो लोगों के कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, क्या उस लैंग्वेज को कोई कंप्यूटर जानता है? नहीं। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज जानता है। कंप्यूटर क्या जानता है? जीरो और वन, जीरो और वन, बस दो ही चीज़ जानता है ये, जीरो और वन। तो क्या हम इससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं? कभी नहीं। इससे हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सा भी हो सकता है। हमें सी पढ़ना है तो हम यहाँ पे सी के आधार पे समझते हैं। तब हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम क्या करते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम होता क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब हमें कंप्यूटर से क्या कराना है, कंप्यूटर से किस तरह से काम लेना है, उसी सारे इंस्ट्रक्शन को हम कोड के रूप में लिख देते हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दो नंबर को जोड़ने के लिए एक छोटी सी प्रोग्राम दिखाया गया है, ऐसे एग्जांपल के रूप में, जिसमें ए
के पास 10 है और बी में 20, और आगे क्या किया गया है, सी में ए और बी को जोड़ दिया गया, तो सी में क्या गया वैल्यू 30, और फिर प्रिंट कर दिया गया सी को। मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू को जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइलर को दिया जाता है, कंपाइलर क्या करता है, इस प्रोग्राम को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। एक बात और हम यहाँ पे समझ लें, कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से कोडिंग की गई हो, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स कोड। ये इंसानों के समझने के लिए होती है, और कंपाइलर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब जो काम हमें कराना था उसको कंपाइलर ने 0 और 1 के फॉर्म में बदल दिया है, अब ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में बदल गया है। तब अब क्या कंप्यूटर इसे समझ पाएगा, हाँ अब कंप्यूटर इसे समझ पाएगा। तो जो हमें काम कराना हो, मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना हो, तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इस तरीके से हम इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तब आप समझ गए होंगे कि आखिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत क्यों पड़ा। आज के लिए बस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएँ और बेहद अच्छे तरीके से समझा पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।